एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम फिर से वेलकम दे दो, तो बच्चे ही क्योंकि मैं जा रही थी एयरफोन करने। तो उससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आता है मैम एयरफोन हो रहा है, तो हेयरफोन के लिए कोई अच्छा सा सोल्यूशन बताइए जो कि बहुत ईजी हो, बहुत मतलब कम प्राइस में बहुत अच्छा रिजल्ट दे। तो मैं अपने अपने वालों पर काफ़ी लॉन्ग टाइम से ये चीज़ यूज़ करती हूँ, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए। तो मुझे मैं आज वॉश नहीं कर रही हूँ, मैं बालों को लगा के जो भी प्रोडक्ट बालों में यूज़ करने वाली हूँ उसको लगा के ऑयल को अगर नेक्स्ट डे वॉक करूँगी। तो आप भी, लेकिन ऑयल लगा के अगर आप बाहर धूल मिट्टी में जा रहे हो तो वो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आप जब भी ऑयल लगाओ, या तो घर में रहो या अगर आपको बाहर जाना है तो आप 1-2 घंटे पहले लगा लो और हेयर को वॉश कर लो। तेल लगे हुए बाल मिट्टी को, धूल को, पॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं एंड आपके बालों में आके चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से आपके बालों गंदे होने की वजह से ज़्यादा हेयर फॉल होने लग जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऑयल लगा के कभी भी बाहर नहीं निकलना है। ओके, आपको ऑयल लगा रहे हो तो आप घर में रहो या फिर रात में लगाओ, सुबह वॉश कर दो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या लगाना है। ये एक चीज़ है जो अपने ऑयल में मिक्स करके आप अप्लाई करते हो तो आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी और आपका बालों जो हेयर फॉल होता है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। 1-2 बार यूज करोगे तो ही आपको रिजल्ट अच्छे दिख जाएगा। अभी तो मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मुझे थायराइड निकल गया, मैंने चेकअप कराया था तो थायराइड की वजह से मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे डॉक्टर में भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रखी थी। लेकिन अब दवाइयाँ चल रही हैं तो धीरे धीरे हेयर फॉल में भी सुधार आ रहा है और स्किन में भी जो डलनेस आ गई थी वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। तो बीमारियों का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिनको बीमारी नहीं है फिर भी बाल झड़ रहे हैं तो वो ये ट्रिक के थ्रू अपना हेयर फॉल कंट्रोल कर सकते हो। तो मेरा अभी इतना हेयर फॉल हो रहा है कि लग रहा है मैं गंजी हो जाऊँगी, लेकिन मैं अपने बालों का केयर करते रहती हूँ जिसकी वजह से मेरे बाल इतना तो नहीं झड़ सकते कि मैं गंजी हो जाऊँ। तो ऑयल, कोकोनट ऑयल लेना है अपने बालों के अकॉर्डिंग, और इसमें जो प्रोडक्ट मिलाना है वो है ये ग्लिसरीन। लेकिन कितनी क्वांटिटी में मिलाना है उतना वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको ग्लिसरीन अब पता चल गया आपको कि बालों के लिए ग्लिसरीन अच्छा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी बॉटल अपने बालों में लगा लो या फिर 1-2 चम्मच, नहीं, आपको सिर्फ थोड़ा सा ग्लिसरीन अपने ऑयल में ऐड करना है, 1-2 बूंद। ओके, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, आप 1-2 चम्मच यूज करोगे अपने शैम्पू में। ओके, लेकिन ऑयल, क्योंकि आपको मैंने आपको बताया कि अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और ऑयल को मैं पूरा दिन अपने बालों में रखूँगी, रात भर रखूँगी, अगले दिन वॉश करने वाली हूँ, तो इसके लिए ग्लिसरीन बहुत ज़्यादा देर तक अपने बालों में नहीं रखना है। तो आपको इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो बालों की जड़ों में अच्छे से अप्लाई कीजिए और अच्छे से मसाज करके, बहुत ज़्यादा बालों को रब नहीं करना चाहिए स्कैल्प को, उससे आपके बाल टूटने और झड़ने लग जाते हैं। जितना आपको ऑयल लगाना है उतना अपने बालों में अच्छे से लगा लीजिए। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और फिर भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आप इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, विटामिन ई की कैप्सूल। ये आपके बालों के लिए वरदान है और बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। बहुत मैं जो भी चीज़ें यूज करती हूँ मुझे रिजल्ट मिला होता है तभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ऐसे नहीं बताती हूँ कुछ भी। तो इस तरीके से लगा के बिल्कुल हल्के हाथों से 5 मिनट तक आपको मसाज देना है और इस तरीके से करना है ताकि जो भी प्रोडक्ट आपने लगाए हैं वो आपके बालों के अंदर, आपके जड़ों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और अच्छे से फ़ायदा दिखाए आपके बालों पर। अब इसी तरीके से आपको बैक में भी पूरा लगा के वो करना है। तो अभी ख़त्म हो गया है तो मैं दोबारा से और ऑयल ले रही हूँ और फिर से उतनी ही क्वांटिटी में ग्लिसरीन को इसमें ऐड करूँगी। ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा ग्लिसरीन आपके बालों के लिए नुकसान भी पहुँचा सकता है। ग्लिसरीन आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, अगर आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल है, एक्ने है और आप सब कुछ ट्रीटमेंट यूज करके थक चुके हो तो आप एक बार गुलाब जल और ग्लिसरीन को मिक्स करके अपने फेस पे लगाइए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मैंने बहुत ज़्यादा एक्ने पिंपल जो कि डॉक्टर्स के पास जा जा के मेरी कस्टमर थक चुकी थी, उनका नहीं ठीक हो रहा था, तो मैंने यही ट्रिक उन लोगों के ऊपर अप्लाई किया था और ये 100% इफेक्टिव है और सबने मुझे थैंक यू बोल के गए। 3-4 बार मैंने उनको अपने क्लिनिक के साथ इन चीज़ों को मिक्स करके अप्लाई किया और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। ये टॉप सीक्रेट है एक्ने पिंपल वालों के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, हेयर फॉल और स्किन प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी आपकी।
तो अच्छे से मैंने इस तरीके से मसाज कर लिया, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है, बिल्कुल रब नहीं करना है। और मेरे चैनल पे आपको ब्यूटी पार्लर, स्किन केयर, हेयर केयर से रिलेटेड ऑल वीडियोस मिल जाएंगी, मेकअप से रिलेटेड पूरी बारीकी के साथ स्टेप बाई स्टेप वीडियोज लेकर आती हूँ। तो लेंथ में मैंने जड़ों में अच्छे से लगा दिया है, और जो बाल बचा है मेरे कटोरी में बाल में उसको अच्छे से बाल में लगा देती हूँ। बालों में आप उंगली से ऐड नहीं करोगे तो भी चलेगा। ये देखिए मेरा हेयर फॉल, मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है क्योंकि मैंने बताया आपको थायराइड की वजह से। आई होप कि आपको दिख रहा हो, लेकिन अगर आपका ऐसे नॉर्मली झड़ रहा है तो ये 100% इफेक्टिव है और रुक जाएगा। मेरा बहुत ज़्यादा गिरा था लेकिन अभी तो मेरा बहुत ज़्यादा ही कम हो गया बाल करना। हेयर फॉल मुझे मेरा हुआ है, चलिए इसको रखते हैं साइड में एंड बालों की अच्छे से जंपी करते हैं और बालों का एक चूड़ा बनाऊंगी मैं। थोड़ा सा तेल लेकिन अपनी लेंथ पे भी लगा लूँ। लेंथ ड्राई होने का मेन रीजन है कि आप जड़ों में तेल लगा रही लेकिन लेंथ में नहीं लगाते हो, तो आपको लेंथ में भी लगाना है तेल। और तेल लगाने कभी ऐसे 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 से रख लिया बस हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से तेलों तेल को बालों में अच्छे से मिला दीजिए। ओके, हेयर फॉल की टेंशन मत लीजिए, हेयर फॉल तो रुक ही जाता है, बस आपको सही तरीके का पता होना चाहिए कितना क्वांटिटी का आपको कैसे यूज करना है। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो अपना हेयर फॉल और स्किन केयर आप खुद से घर पर कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत लंबी जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों की मदद से आप ये चीज़ें ये सब अपनी प्रॉब्लम ख़त्म कर सकते हो। तो मैंने ऑयल लगा दिया है एंड बालों को करूँगी मैं ऊपर और एक दिन पूरा ऐसे ही रखने वाली हूँ हाई बन बना के। बहुत सारी अच्छी अच्छी अमेजिंग हेयर स्टाइल की वीडियोज मेरे चैनल पे आपको स्किन के अकॉर्डिंग, आपके हेयर के अकॉर्डिंग, आपके फेस सेमिंग के अकॉर्डिंग बहुत सारी वीडियोज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो अगर आप नहीं देखते हो तो प्लीज़ जाकर चेक कर लीजिएगा। बस ये एक से दो चीज़ें आप मिला के अपने बालों का झड़ना रोक सकते हो, अपने बालों की ग्रोथ बढ़ा सकते हो, अपने बालों को लंबा करना और तेज़ी से घना लंबा कर सकते हो। इन सब चीज़ों के ये टेस्टिंग से मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला था। जब मेरी बीबी बेबी हुई थी पीहू तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़े थे, मेरा स्कैल्प दिखता था, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की थी। हाँ, वैद्यनाथ का हेयर ऑयल यूज़ किया था, उससे भी मेरा हेयर फॉल काफ़ी हद तक कम हो गया था। तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो वैद्यनाथ हेयर ऑयल, उसके बारे में ब्रिंगराज का वैद्यनाथ हेयर ऑयल यूज़ किया था तो मेरी ग्रोथ बढ़ी। फिर मैंने शैम्पू के साथ ग्लिसिन ऐड करके यूज करने लगी, फिर मैं विटामिन ई की कैप्सूल यूज़ करने लगी। सारी मेरी वीडियोज हैं चैनल पर, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ऐसे करते करते मेरे बालों की ग्रोथ ठीक की। लंबा मैं इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि चैनल पर हेयर कट की डिमांड बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए मैं 2 से 3 मंथ में हर मंथ बोल दो या फिर हर 2 मंथ में मैं अपने हेयर को कट करते रहती हूँ, इससे लंबा नहीं पाता। लेकिन ग्रोथ काफ़ी हद तक ठीक हो गई है, नहीं तो जो मेरी बीमारी की वजह से मेरा हेयर फॉल हो रहा है, अगर उस तरीके का हेयर रहता तो अभी तक मैं गंजी हो गई रहती, लेकिन मेरा हेयर फॉल रुका और मेरा ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो गया था। तो अभी मुझे दोबारा से थायराइड मुझे हुआ था जब पेट में थी, तो उस टाइम तो मैंने पेट में होता है तो अक्सर हो जाता है लेडीज़ को, बट वो ठीक हो जाता है। बट अभी मैं नॉर्मल हूँ, फिर भी मुझे थायराइड हो गया तो दवाइयाँ चल रही हैं एंड हेयर फॉल भी काफ़ी हद तक कम है पहले के हिसाब से। तो धीरे धीरे जैसे जैसे थायराइड की मात्रा कम होगी बॉडी में, वैसे वैसे हेयर फॉल भी कम हो जाएगा और मेरे हेयर दोबारा से ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। तो ये बहुत 100% इफेक्टिव रिजल्ट देता है जो मैंने आपको बताया है। अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप उसमें विटामिन ई की कैप्सूल ऐड कर देना, तो उससे आपका जो हेयर फॉल है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और शैम्पू यूज करते टाइम भी आप ग्लिसरीन में जरूर ऐड कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।